उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव इन राज्यों के प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग पर की गई है। इन दलों में भाजपा, कांग्रेस, RLD, बसपा शामिल हैं। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 33 सीटों पर तारीख में बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने आज की घोषणा में 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों में तारीखों में बदलाव नहीं किया गया है, यानी यहां 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। इसी दिन झारखंड विधानसभा के 43 सीटों पर भी मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। अब आपको हम बताते हैं कि किन किन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। तो सबसे पहले करहल आती है उत्तर प्रदेश की, सीसामऊ, कटहरी, कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, मझवा, इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। पंजाब की बात करें तो गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नामक, चब्बेवाल और बरनाला में सीधे सीधे मतदान जो होंगे वो 20 नवंबर को होंगे, और केरल में पलक्कड़ की सीट पर मतदान जो होगा वो 20 नवंबर को होगा। इसके अलावा सब जगह पर यथावत मतदान होगा, यानी पुराने तारीख में ही होगा। सिर्फ इन्हीं तीन राज्यों में जो मतदान का दिन है वो बदला गया है, यानी कि 13 की जगह पर 20 नवंबर किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस चुनाव के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया आती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव इन राज्यों के प्रमुख राजनीतिक दलों की मांग पर की गई है। इन दलों में भाजपा, कांग्रेस, RLD, बसपा शामिल हैं। आपको बता दें कि 10 राज्यों की 33 सीटों पर तारीख में बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव आयोग आज की घोषणा में 10 राज्यों की 33 विधानसभा सीटों में तारीखों में बदलाव नहीं किया गया है, यानी यहां 13 नवंबर को ही वोटिंग होगी। इसी दिन झारखंड विधानसभा के 43 सीटों पर भी मतदान होगा। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र, झारखंड के साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा की है। अब आपको हम बताते हैं कि किन किन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। तो सबसे पहले करहल आती है उत्तर प्रदेश की, सीसामऊ, कटहरी, कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, मझवा, इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। पंजाब की बात करें तो गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नामक, चब्बेवाल और बरनाला में सीधे सीधे मतदान जो होंगे वो 20 नवंबर को होंगे, और केरल में पलक्कड़ की सीट पर मतदान जो होगा वो 20 नवंबर को होगा। इसके अलावा सब जगह पर यथावत मतदान होगा, यानी पुराने तारीख में ही होगा। सिर्फ इन्हीं तीन राज्यों में जो मतदान का दिन है वो बदला गया है, यानी कि 13 की जगह पर 20 नवंबर किया गया है। ऐसे में देखना होगा कि अब इस चुनाव के बाद क्या लोगों की प्रतिक्रिया आती है। VideoDesk, AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।